हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी इच्छा, इसी कामना और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड ये बता रहा है कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, थोड़ा समय पहले आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूटा है कहीं से। अब ये दिल टूटना जरूरी नहीं कि लव अफेयर में टूटा हो, मन का हार्ट ब्रेक होना, किसी प्रोजेक्ट का अधूरा छूट जाना, किसी घर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे उसका सॉल्व ना होना, घर के किसी व्यक्ति के द्वारा आपको ठुकरा दिया जाना, या किसी घर के ही मेंबर या किसी मित्र के साथ झगड़ा हो जाना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हर किसी के अलग हालात होंगे, अलग सिचुएशन होगी, अलग परिस्थिति में व्यूअर्स होते हैं, तो जिसके साथ जहाँ रेजोनेट करे वो उस इस चीज़ को वहीं पर ले। जरूरी नहीं है लव अफेयर में ही मन टूटा हो, हार्ट ब्रेक हुआ, मगर जो अब सिचुएशन है वो ये है कि आप उस सिचुएशन से, ब्रेक हार्ट वाली सिचुएशन से धीरे 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 बाहर आ रहे हैं, और आपका बाहर आना आपकी ही सफलता का प्रतीक है। आप अपनी उस मनस्थिति से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, और आपका इस मनस्थिति से बाहर आना आपके जीवन को एक निश्चिंतता दे रहा है कि नाउ ऑल इज वेल, नाउ ऑल इज वेल, और प्रेजेंट में भी नाउ ऑल इज वेल, और इन फ्यूचर भी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब आप थोड़े निश्चिंत होते जा रहे हैं, अपने को कहते ना सबर आ जाना, वो स्थिति हो रही है आपके साथ, और आप अपने जिस कार्य में हैं, किसी भी कार्य में हो सकते हैं, फैमिली का कोई काम हो सकता है, आपका व्यापार प्रतिष्ठान हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपकी सोशल लाइफ हो सकती है, आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कुछ भी हो, आपने जो कार्य किया है पिछले दिनों दुखी मन से, खाली तो नहीं बैठे आप, मन परेशान था, शरीर थोड़ी परेशान था, शरीर से तो आप कार्य कर ही रहे थे ना, आपकी बुद्धि तो कार्य कर ही रही थी ना, तो आपने जिस कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य किया है उस कार्य के फलीभूत होने का आप वेट कर रहे हैं कि मेरा कर्म, मेरा एफर्ट जो है वो अब आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने वाले हैं और आपकी दशा में भी सुधार लाने वाले हैं। अब जो भी उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा पॉजिटिव ही, क्योंकि एक ठोकर खाने के बाद आपने बड़ा संभल के काम किया है, बहुत संभल के आपने काम किया, और आपका ये संभल कर काम करना ही आपको सक्सेस दिलाएगा। समझिए मेरी बात को, और
जो हैं वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको बाहर की जर्नी भी करनी पड़ सकती है। आपका ट्रेवल ड्यू है, 100% ड्यू है। इन वेरी नियर फ्यूचर, आप वेरी वेरी नियर फ्यूचर में देना वीक्स अवे देना सम डेज, आप एक काम के सिलसिले में एक जर्नी करने वाले हैं, एक आप ट्रेवल करने वाले हैं। और वो जो ट्रेवल होगा वो आपको इमोशनल कर देगा। कुछ जहां आप जाएंगे वहां कुछ ऐसा घटनाक्रम घटेगा जिससे आप इमोशनल हो जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। तो जो ये आपकी, या मैं यूं भी कह सकती हूं कि जहां आप जा रहे हैं वहां भावनात्मक ही जा रहे हैं, जहां भले ही आप कार्य के सिलसिले में रहे हैं लेकिन जिनके पास आप जा रहे हैं उनसे आपकी कुछ भावनाएं अतीत से जुड़ी हुई हैं। कोई आपके मित्र हो सकते हैं, कोई आपके रिलेशन में हो सकते हैं, जिस वजह से आपको वहां की यात्रा के लिए सफलता का आप गारंटी लेके जा रहे हैं। भावनात्मक हैं आप, काफी भावनात्मक हैं आप, और भावनाओं से लबालब होकर के आप यात्रा करने वाले हैं। यात्रा तो ड्यू है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आप जहां भी अब यात्रा करेंगे वहां पर यूनिवर्स या एंजल्स, कुछ भी आप कहें, वो आपके लिए ऑफर लेके खड़े हैं। क्योंकि आप जा भी निश्चिंतता के साथ रहे हैं, तो जिस निश्चिंतता के साथ आप ट्रेवल करेंगे वैसी ही सफलता एंजल्स के द्वारा आपको उपहार स्वरूप गिफ्ट की जाने वाली है। गिफ्ट की जाने वाली है। इसके बाद अगला कार्ड आपको, अब ये यात्रा प्रोफेशनल भी हो सकती है या किसी रिलेशन को नए सिरे से शुरू करने के लिए भी हो सकती है। कई दफे होता है बहुत सालों के बाद हम किसी से मिलते हैं, कई दफे होता है कि थोड़ी सी कहा सुनी के बाद हम अलग हो जाते हैं, दोस्ती में भी, रिलेशन में भी, कहीं वर्क प्लेस पर भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है व्यूअर्स में से। तो उनसे मिलने के बाद आप दो तरफ से, आप दो साइड से, आपके जीवन की दो पक्ष आपको बड़ी लॉन्ग रन के लिए स्टेबिलिटी देने वाले हैं। वो दो जो फील्ड है वो क्या है, एक है फाइनेंशियल, आपको फाइनेंशियल लाइफ जो है आपकी उसमें निश्चिंतता आने वाली है, और सेकेंडली आपके लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी भी आने वाली है। आपके अंदर वो जो आप इमोशनली डूबते थे समुद्र में, फिर उभरते थे, फिर डूबते थे, फिर उभरते थे, फिर डूबते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। भावनात्मक जीवन में भी आपके एक अच्छा दौर की शुरुआत होने जा रही है, और ये दौर भी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। जब फिर कभी डिस्टर्बेंस होने वाली होगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये समय तो काफ़ी लॉन्ग रन तक स्टेबल रहने वाला है, धन की तरफ से भी और भावना की तरफ से भी। जब
ये दो चीजें स्टेबल होती है ना लाइफ में, कि हम निश्चिंत होते हैं कि नहीं हमारे पास फाइनेंशियली हम साउंड हैं, तो फिर हम एक निश्चिंत जीवन जीते हैं, और अगर हमें मानसिक शांति भी है तो हम और ज्यादा निश्चिंत होकर के जीवन जीते हैं। मन में शांति का होना, हमारी भावनाओं का शांत होना, सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। धन कितना भी हो लेकिन मन शांत नहीं है तो क्या करेंगे? और धन भी नहीं है और मन भी अशांत है तो जीवन नरक है। इसलिए आपको ये दोनों चीजों से शांति प्राप्त होने वाली है, धन की तरफ से भी और मानसिक भी। अगला कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है मेरी इस बात की, कंफर्म कर रहा है। क्या आने वाले सब फ्यूचर में, नियर एंड फार फ्यूचर, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, नियर फ्यूचर में भी और लॉन्ग रन में भी, फॉर नियर एंड फार फ्यूचर में भी आपके पास धन दौलत की, खाने पीने की, मकान घर द्वार परिवार सब सब बड़ी हर चीज आपके पास प्लेंटी ऑफ होगी, प्रचुरता में होगी, प्रचुरता में होगी। और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी हैं उसे आप अपनी बुद्धिमत्ता से काट देंगे, बुद्धिमानी से काटेंगे, जिससे आपकी ना तो फाइनेंशियल लॉस होगा और ना आप मानसिक अशांति को प्राप्त होंगे, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो आज की ये रीडिंग जितनी आपसे रेजुनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग मैं करती हूँ जो कि पेड है। इसके अलावा हमने जो नया सेगमेंट शुरू किया है उसको भी आप जरूर देखिएगा, उपाय का, आज का उपाय नाम से रोज आएगा, आज का उपाय इस टाइटल से रोज आएगा। तो अभी थोड़ी देर में मैं उस वीडियो को भी अपलोड करूँगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने को अच्छी स्थिति में रखें, मन में कोई क्षोभ ना लाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जो क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हरिओम नारायण।